नमस्कार, मैं हूं रमन गाई, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों के फुल अपडेट की। श्रीनगर के बंदा चौक में आतंकियों के साथ मुठभेड़, 3 आतंकवादी मार गिराए गए, पुलिस का 1 एएसआई भी शहीद। सुशांत मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को रिया से 7 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में सीबीआई ने करीब 45 मिनट तक ड्रग्स से जुड़े हुए व्हाट्सएप चैट पर रिया से सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक रिया के सवालों पर सीबीआई को संदेह है। सुशांत केस में रिया की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया की गिरफ्तारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई की पूछताछ। सुशांत के सीए बदले जाने पर सवाल जवाब। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने सुशांत के खातों की जानकारी मांगी। सुशांत के दोस्त साबिर का बड़ा बयान। सुशांत के ड्रग्स लेने के रिया के दावे को बताया झूठा। आकाश, सुशांत न ड्रग्स लेते थे न डिप्रेशन में थे। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्विटर पर लिखा, आइए सभी मिलकर सुशांत को इंसाफ के लिए देवी मां से प्रार्थना करें। संदीप सिंह और बीजेपी के कनेक्शन पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उठाया सवाल। देशमुख ने कहा, सीबीआई को इसकी भी जांच करनी चाहिए। दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं सीबीआई के उच्च अधिकारी। कुछ जांच और पूछताछ के लिए आधिकारिक मंजूरी की जरूरत। पूरी में सन्नाटे, सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई सुशांत की तस्वीर। तस्वीर के जरिए जाहिर की अपनी भावनाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश के पानी में फंसे 5 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। भोपाल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कोविड सेंटर चिरायू अस्पताल में भी भोपाल से भरे हुए तालाब का पानी घुसा। एमपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग का हाई अलर्ट। कई जिलों में बाढ़ के हालात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उफनाई नदी में फंसे युवक को किया गया एयरलिफ्ट। पेच नदी में अचानक भर गया था पानी। एमपी के सिवनी में वैन गंगा नदी उफान पर। संजय सरोवर बांध का गेट खोले जाने पर भीमगढ़ बस्ती में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी बारिश और बाढ़ का कहर। शकर नदी पर बना पुल डूबा। सहारनपुर में उफान पर यमुना नदी। मां शाकुंभरी धाम का परिसर जलमग्न। पानी में बहती दिखी कार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के गांजरी इलाके में बाढ़ का कहर। शारदा नदी के कटान से कई घर नदी में समाये। बिहार में बाढ़ का पानी घटने के बाद भी कम नहीं हो रही लोगों की परेशानी। रेलवे स्टेशनों पर रहने को मजबूर हैं लोग। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उफनती नदी में बच्चों का खतरनाक स्टंट। नदी में बच्चों की ऊंचाई से कूदने की तस्वीरें वायरल। स्वीडन में समुदाय विशेष के धार्मिक ग्रंथ को जलाने के बाद भड़के दंगे। मालमो शहर में आगजनी और पत्थरबाजी। 15 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश की मथुरा में चलती बस में महिला से बलात्कार। आरोपी कंडक्टर हिरासत में। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी महिला। यूपी के आगरा दिल्ली हाईवे पर स्कूटी पर जा रही युवती से छेड़खानी। युवती हाईवे पर गिरकर हुई घायल। लखनऊ में अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश। इस गिरोह ने इलाके के साईं मंदिर में करीब 35 लाख की चोरी को दिया अंजाम। लखनऊ डबल मर्डर केस में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। रेलवे अधिकारी की नाबालिग बेटी ने ही की थी मां और भाई की हत्या। गंभीर डिप्रेशन से जूझ रही है बेटी। बलिया में बीजेपी के पूर्व सांसद भरत सिंह के पोते को गोली मारी गई। हालत गंभीर। 4 आरोपी गिरफ्तार। बागपत में आपसी विवाद के खूब चले लाठी डंडे। आपस में भिड़े दो पक्ष। मामली कहासुनी के बाद शुरू हुई थी झड़प। सहारनपुर में छेड़छाड़ के विरोध पर मारपीट। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। लखनऊ में एक दारोगा पर युवक को बुरी तरह पीटने का आरोप। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए। एक नेता ने दूसरे नेता पर तलवार से किया जानलेवा हमला। पंजाब के मोगा में बेखौफ बदमाश युवकों ने सिपाही पर चढ़ाई कार। हमले में पुलिसकर्मी की दोनों टांगे टूट गई। अगली खबर पंजाब से। आपको हम बताएं कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भट्टी से हुआ हादसा। हादसे में 10 मजदूर बुरी तरह से झुलसे। 6 की हालत गंभीर। भोपाल में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़। आबकारी विभाग के छापे में 25 लाख की अवैध शराब जब्त। देश में 7 सितंबर से शर्तों के साथ चलेंगे मेट्रो। अनलॉक 4 में यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन के बाद दिल्ली मेट्रो ने किया ऐलान। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी मेट्रो सेवाएं। सीएम केजरीवाल ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने के बाद केंद्र सरकार के फैसले पर जताई खुशी। अनलॉक 4 में मेट्रो सेवाएं शुरू करने की दी गई अनुमति। गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी। 21 सितंबर से आयोजनों में 100 लोगों को इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। अब केंद्र की सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे राज्य। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदी खत्म।
प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे रेडियो पर मन की बात। आत्मनिर्भर भारत और अनलॉक 4 की गाइडलाइंस पर कर सकते हैं बात। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, डोगलाम में चीन मिसाइल साइट बनाने में जुटा। सीमा पर तनाव के बीच भारत का बड़ा ऐलान, चीन और पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से इनकार, 15 से 26 सितंबर तक होनी एक्सरसाइज। मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने लिखी चिट्ठी, बीजेपी फेसबुक में साठगांठ का लगाया आरोप। गुलाम नबी आजाद पर निर्मल खत्री का आरोप, गुलाम नबी आजाद ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का करा दिया सत्यानाश। सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा सजा, प्रशांत ने माफी मांगने से किया था इनकार। दिल्ली में स्थगित नहीं होगी नीट और जेईई एग्जाम, एलजी ने खारिज किया केजरीवाल का प्रस्ताव। दिल्ली में डीआरआई की टीम को बड़ी कामयाबी, 42 करोड़ का सोना बरामद, 8 तस्कर गिरफ्तार, म्यांमार से गुवाहाटी के रास्ते लाया गया था दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोने के सिक्के चोरी करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया चोर। दिल्ली में 16,000 की नौकरी से नाखुश शख्स ने कंपनी के 39 लाख रुपए पर किया हादसा, पुलिस ने सूरत से किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कोरोना काल में क्राइम रिव्यू मीटिंग ली, सराहनीय काम करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा रिवॉर्ड। कानपुर के बिकरू कांड में इस्तेमाल 5 हथियार बरामद, 1 राइफल, 1 बंदूक और 3 तमंचे बरामद। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम का लिया जायजा, कोविड कंट्रोल पर अधिकारियों से की बैठक, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा जम्मू कश्मीर में शहीद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। यूपी में दफन नहीं किए जाएंगे ताजिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण में दाखिल किया राम मंदिर का नक्शा, 65,000 रुपए का शुल्क भी जमा। बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज, जेपी नड्डा करेंगे राज्य के सभी सांसदों के साथ बैठक, 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करेंगे वर्चुअल रैली। तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना, कहा कोरोना और बाढ़ को लेकर के कोई काम नहीं किया, पेश कर रही है झूठा आंकड़ा। झारखंड के दुमका से चुनाव लड़ने पर बोले बाबूलाल, कहा आप चुनाव लड़ने की नहीं कोई इच्छा, पार्टी के निर्देश का करूंगा पालन। झारखंड के गुमला में 2 भाइयों की निर्मम हत्या, बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काट कर ली जान। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद आज राजस्थान आएंगे अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ करेंगे बैठक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे कोरोना रिव्यू मीटिंग, अनलॉक 4 की गाइडलाइन पर भी अधिकारियों के साथ होगी चर्चा। बीकानेर में गोली लगने से घायल बच्चे की मौत के बाद बवाल, पुलिस प्रशासन के खिलाफ परिजनों ने की नारेबाजी, 25 अगस्त को लगी थी गोली। पाली के सोजत में हत्या के बाद हंगामा जारी, उपखंड कार्यालय के बाहर लोगों का धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अलवर की भिवाड़ी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 2 शातिर एटीएम हैकर को पकड़ा, 20 बैंकों के 57 एटीएम बरामद। चित्तौड़गढ़ में चोरी और लूट गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कई संगीन वारदात का बात कबूली। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मरीज आए सामने, जबकि 1,021 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 34,63,972 हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,945 नए मामले आए सामने, जबकि 15 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,867 नए मामले किए गए रिपोर्ट। लता मंगेशकर की बिल्डिंग को बीएमसी ने किया सील, बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,442 नए मामले सामने आए, इसके साथ ही राज्य में अब कुल केस 60,875। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 78,000 के पार, 595 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 261 नए मामले सामने आए, जबकि यहां अब तक 45 लोगों की मौत हुई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,299 नए मामले हुए रिपोर्ट, जबकि 8 लोगों की हुई मौत। झारखंड में 30 सितंबर तक बड़ा लॉकडाउन, कई जरूरी सेवाओं को दी गई छूट। उत्तराखंड में कोरोना के 658 नए मामले हुए रिपोर्ट, राज्य में अब तक 350 लोगों की हुई है मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,548 नए मामले सामने आए, 81 लोगों की एक दिन में हुई मौत। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 8,324 नए मामले हुए रिपोर्ट, जबकि 115 लोगों की हुई मौत। बेहोशी ले शाम पूर्वोत्तर राज्य की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी, इम्फाल के अस्पताल में दे रही है सेवा। दिल्ली में आ सकता है बिजली का संकट, TBDL ने दिल्ली के लिए घोषित बिजली की नई दरों को लेकर जताई है चिंता, 18 लाख ग्राहकों पर पड़ेगा असर। अब जनधन खाता धारकों को मिलेगा बीमा, PMJJBY और PMSBY योजना का मिल पाएगा लाभ। कोका कोला पर कोरोना की मार, करेगी हजारों कर्मचारियों की छंटनी। टाटा संस की सालाना आम सभा में हुई तीखी बहस, मिस्त्री परिवार ने कंपनी के फैसले पर पूछे सवाल, बैठक में रतन टाटा भी मौजूद थे। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस बिग बाजार और FBB पर रिलायंस का कब्जा, 24,713 करोड़ में हुई डील।
बीसीसीआई ने अन अकेडमी को आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर बनाया, आईपीएल अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने जताई खुशी। चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे बड़ा झटका, सुरेश रैना नहीं खेलेंगे आईपीएल 2020। विराट कोहली ने 5 महीने के बाद टीम के साथ किया अभ्यास, लगाए जमकर शॉट्स। आरसीबी टीम के साथ अनुष्का विराट ने की बेबी अनाउंसमेंट की पार्टी, पार्टी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल। अब खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी को 7.5 लाख के बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। अर्जुन अवार्ड की प्राइज मनी भी 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने के कुछ ही घंटे पहले एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन, शनिवार को उन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाना था। नेपोटिज्म पर बोले बॉबी देओल, परिवार के नाम पर 25 साल नहीं टिक सकते। जैकलिन फर्नांडीज ने अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आलिया भट्ट की सड़क 2 को आईएमबीडी में मिली 1.1 रेटिंग, हिम्मतवाला और हमशक्ल का रिकॉर्ड तोड़ करके बनी अब तक की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म। कंगना रनौत ने बॉलीवुड में ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश, कलाकारों की पत्नियों पर लगाया बड़ा आरोप। तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति संग तमिल फिल्म में नजर आएंगी, तापसी पन्नू कॉमेडी फिल्म में करेंगी काम। बेलारूस में महिलाओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप, पुलिस हिंसा की जांच कराने के समर्थन में नारेबाजी। जापान की स्काई ड्राइव कंपनी ने अपनी उड़ने वाली कार का परीक्षण किया, इस कार में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। स्पेन के जंगल में लगी आग पर अभी भी बेकाबू, आग की वजह से फंसे 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।